वहीं आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत के संसदीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय ठीक 50 वर्ष पहले आज ही के दिन देर रात को घटित हुआ था, जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भारत के संविधान का गला घोंटकर लोकतंत्र को पूरी तरह से समाप्त करने की साजिश रची थी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 25 जून 1975 की रात के अंधेरे में भारत के लोकतंत्र को नष्ट करने की भी कोशिश की। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई और जय प्रकाश नारायण, लाल कृष्ण आडवाणी और सभी विपक्षी दलों के नेताओं को जेल में बंद करके लोकतंत्र का पूरी तरह से गला घोंटने की भी कोशिश की। वहीं 50 साल बाद कांग्रेस में चेहरे तो बदल गए होंगे, लेकिन उनका चरित्र और उनके हाव भाव अभी भी वही हैं, जो 1975 में दिखे थे। कांग्रेस और उनके सहयोगियों को देश और देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। उन्हें आज के दिन माफी मांगनी चाहिए। मित्रों, भारत के संसदीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय आज से ठीक 50 वर्ष पूर्व आज के दिन ही देर रात्रि में हुआ था, जब कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने भारत के संविधान का गला घोंटते हुए लोकतंत्र को पूरी तरह समाप्त करने की साजिश रची थी। 25 जून 1975 रात के अंधेरे में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने कैसे भारत के लोकतंत्र को नष्ट करने का प्रयास किया था। उस समय के सभी विपक्षी दलों के नेताओं को, उसमें से अटल बिहारी वाजपेयी जी, से मोरारजी देसाई जी, से जयप्रकाश नारायण जी, से लाल कृष्ण आडवाणी जी और विपक्ष के सभी नेताओं को बंद करके लोकतंत्र के गले को पूरी तरह घोंटने का प्रयास किया था।